हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, तो मैंने कहा चलो इसको शूट कर लेती हूँ। सबसे पहले मुझे मेरे घर को साफ करना था और मुझे हेयर वॉश भी लेना था, जो प्रॉपर मेरा एक रूटीन होता है वो। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे उसको, मतलब उसको जनरली 5 मिनट के लिए रखना पड़ता है और फिर उसके बाद मास्क को भी रखना पड़ता है। तो मैंने कहा इनके बीच में ही मैं सफाई वगैरह कर लूँगी। घर की हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि मैंने स्टोर रूम जो है वो साफ़ करके और वापस ठीक से लगाया था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह के 9 और प्लीज़ इग्नोर ये सब। ये शैम्पू ना पहले भाई, हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो शैम्पू है ना, इसको लगा के रखना होता है, मतलब 5-10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है। घर की हालत तो आपने देख ही रखी है, बहुत ख़राब हो रखी है। और ये मैं टॉवल इसलिए लगाई हूँ क्योंकि वो नीचे लीक ना करे। शैम्पू जब 5-10 मिनट रेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको रिंस करूँगी। मेरी चाय हो गई है रेडी और मैंने शैम्पू को रिंस करके और मास्क लगा लिया है, क्योंकि मास्क को भी 5 मिनट रखना पड़ेगा, 5 नहीं मतलब 2-3 मिनट। तो मैंने सोचा थोड़ा चाय को कर लेती हूँ। बहुत लेट हो रहा था, ओए बहुत लेट हो रहा था मुझे, क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था चाय बनाने में, इसलिए मैंने कहा पहले शैम्पू को वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो वो मैंने वॉश कर लिया। अब मुझे याद आया कि पहले मुझे ना सफाई कर लेनी चाहिए थी, मैंने सफाई घर की नहीं करी हुई है। और ये मैंने कर, ये इस कार्टन में ना बुक्स रखी हुई हैं और मुझे वो लगानी है इस कैबिनेट में, क्योंकि शूरैक हमने मंगाया था वो हमने बाहर रखा हुआ, मैं दिखाऊंगी, तो इसमें लगानी है। इसलिए मैंने ये स्टोर रूम से निकाला था, स्टोर रूम खाली किया था, तो बहुत सारा कबाड़ भी मैंने निकाल दिया। ये वाईफाई का बॉक्स पड़ा हुआ है, अब हमारे पास जियो का नहीं है, हमारे पास टाटा का है, तो वो ये कोई काम का नहीं है, ये हम फेंक देंगे। डिनर सेट हमने निकाल के रखा हुआ है। तो ये लड़का ना तो वॉइस ओवर करने देता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि शायद मैं कुछ कर रही हूँ काम, तो ये ऐसे शोर करता है, चिल्लाता है ताकि मैं वॉइस ओवर ना कर सकूँ। ये हर बार का ही है इसका। और ये देखो, मैं जहाँ भी जाऊँगी उसके पीछे पीछे ही मेरे घूमता रहेगा। ना ये कुछ काम करने देता है, ना ये सफाई करने देता है, ना ही ये मेरे को शूट करने देता है। अगर ये जाग रहा है मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ, ये कुछ छुएगा, कुछ करेगा। अकेले मैं ही नहीं, वो सारी मॉम्स जो कि अकेले रह रही हैं और बच्चे को अकेले संभाल रही हैं, फैमिली से दूर हैं, उन सबको ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 2 मिनट का काम कब 10 मिनट का बन जाता है पता ही नहीं चलता और पूरा दिन ऐसे बिजी हो जाता है। मुझे बहुत इजी हो गया है ये सब कुछ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे मम्मी पापा हों, हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब लोग, इन सब के सपोर्ट की वजह से मुझे सिर्फ छोटे से ब्रेक की ही ज़रूरत थी, और जो कि अब मेरा 1-2 महीने में पूरा हो भी जाएगा क्योंकि वो लोग मेरे साथ में आने वाले हैं और मेरे साथ ही रहेंगे, तो मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकती हूँ। और मेरे बच्चे को मैं डे केयर में अभी नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो बहुत छोटा है, ना वो बोल सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा, क्या उसने किया, क्या प्रॉब्लम उसे हुई, वो कुछ भी नहीं शेयर कर सकता इसलिए। पर वो आ जाएंगे तो वो दर्श को देख सकते हैं और मैं वापस से मेरी जॉब वगैरह पे ध्यान दे सकती हूँ। बस यही है। अभी पी रही हूँ मैं थोड़ा सा जूस क्योंकि हालत मेरी बहुत ख़राब हुई है, फैन की वजह से शायद आवाज़ नहीं आए, पर बैल नहीं क्योंकि मेरे को इतना पसीना आ रखा है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि बच्चे तो सब करते हैं, बच्चे को तो सब पालते हैं, नथिंग न्यू, सब करते हैं, बट मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ ना, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। सो वही मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो स्ट्रगल की जर्नी होती है ना, वो तब से ही स्टार्ट हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, और वो फिर चलती ही रहती है, वो फिर नेवर एंडिंग है। ये लिटरली कोई समझता ही नहीं है कि कितनी एग्जॉस्टिंग बात हो जाती है, स्पेशली जब आप फैमिली से दूर रह रहे हो। फैमिली होती है ना तो बहुत सपोर्ट हो जाता है। मैंने ये निकाली है, बेस्ट सेलर है, माइंडसेट चेंजिंग द वे यू थिंक टू फुलफिल योर पोटेंशियल बाय डॉक्टर कैरल एस डोवेक। आई एम नॉट श्योर मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया या नहीं। तो मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है, बच्चे को देखना, साफ सफाई करना, फिर शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना। हर अल्टरनेट डे में मैं शॉर्ट्स भी पोस्ट करती हूँ। तो सब कुछ हो गया है, बचा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। अगर आप लंच का सोचोगे कि मैंने लंच नहीं दिखाया, तो लंच मेरा सुबह बन जाता है, ये
रोटी रखी है एंड ये मेरे लिए दाल फ्रिज में रखी हुई है। तो लंच मेरा सुबह ही बन जाता है क्योंकि मुझे लंच बना के देना होता है। और घर की हालत अब बहुत ठीक हो गई है, बस ये जो भी सामान है ना इसको मैं रखाती हूँ। ये देखो इसने इसके अंदर रिमोट रख रखा था, और मैं फेंक देती तो फेंक ही देती। नहीं और कुछ नहीं, ये लिया था मैंने कैबिनेट। और तो ना दर्श अभी सोया है एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:15, और मुझे करना है एक वीडियो शूट। तो यही होता है जब मुझे वीडियो शूट करना होता है या कुछ। अभी एक्चुअली मैंने मीशो से एक बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट मंगाया हुआ है और मैं उसका रिव्यू वीडियो शूट करूंगी, देन रैंडमली एक दो वीडियोस ऐसे शूट करूंगी, क्योंकि मुझे रोज़ कुछ कंटेंट शूट करने का नहीं टाइम मिल पाता है क्योंकि दर्श होता है। अब जैसे आज वो इतना लेट सोया है, 4:15, 4:15 अब मैं रेडी होते होते मुझे 4:30 बज जाएंगे एंड देन उसके बाद मैं शूट करूँगी वीडियो, मतलब सनलाइट चली जाएगी। एंड अभी तो मैं बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, स्ट्रेट करूँगी एंड देन उसके बाद मैं करूँगी कर्ल। देखो छोटे हैं बाल मेरे भी, नॉट श्योर। उसके बाद मतलब अभी मैं कर रही हूँ स्ट्रेट एंड जब वीडियो शूट करूंगी, एक वीडियो मुझे शूट करनी है स्ट्रेट बाल के साथ में, एक मुझे करनी है कर्ल्स के साथ में। लेट्स सी मैं क्या करने वाली हूँ। चलो फटाफट से ये काम निपटाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं। जैसे ही सोया था मैंने अपना शूट स्टार्ट कर दिया था और जस्ट अभी मेरा शूट खत्म हुआ है और दर्श उठ गया है अभी। एक सेकेंड। हाय गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी और ये देखो मेरे अनियन फ्राई हो रहे हैं और ये मैंने सब्जियों को मैरिनेट कर दिया है। ये सब्जियों में है आलू है, सोया है, पनीर भी मैं डालना चाह रही थी पर मैंने नहीं डाला। ये शिमला मिर्च है, गोभी है और मटर, इतनी ही वेजिटेबल ली है मैंने। और प्याज को मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी और फिर उस तक ताकि वो एकदम क्रंची। ये देखो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये एकदम ब्राउन नहीं हो जाती, और उसको फिर मैं टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दूँगी ताकि ये ऑयल सारा जो भी है ना वो सोक कर ले। और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए, इसमें मैंने पुदीना और लौंग इलायची सब डाल के और इसको चढ़ा दिया है। तो ये जब तक होगा इसको 70-80% हमको पकाना है और उसके बाद हम जब इसको दम देंगे तब पका लेंगे पूरा। मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी प्रोसेस को कि मैरिनेट मैंने कैसे किया है। तो मैरिनेट करने के लिए कुछ भी नहीं लिया है मैंने, मसाले, दही, सारी वेजिटेबल्स और हल्का सा नमक और बिरयानी मसाला, उसको मैंने इसको डाल के इस पे डाल के और छोड़ दिया है। ये करीब 15-20 मिनट या आधे घंटे इसको रखे रहने दूंगी जब तक मेरे चावल हो जाएंगे। और इसको मैंने अभी शायद 10 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं और मेरा जब तक ये सारा सामान होने में भी 10-20 मिनट लग ही जाएगा, 10 मिनट तो लग ही जाएगा। तो तब तक के लिए मैंने उसको छोड़ दिया है मैरिनेट होने के लिए। सब्जियां मेरी ऑलमोस्ट पक गई हैं, थोड़ा मैं देख लूंगी एक बार। और ये जो प्याज मैंने करी थी ना इसको टिश्यू में डाल के मैंने कर दिया था, पर ये क्रंची नहीं हुई है क्योंकि दर्श गिर गया था, उसको लग गया था। तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने एकदम से डाल दिया था, मैंने उसको अच्छे से स्टेन नहीं किया तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाई है। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा केसर का दूध और ये भी मैं डालूंगी उसी पर।
इसका जो ये होल है ना, इसको मैं थोड़े से आटे के साथ में ना कवर कर दूंगी। पता नहीं, मैंने देखा था कि इसमें इसका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये हो गई हमारी वेज बिरयानी रेडी। अब हम करेंगे इसको मिक्स। सो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो। और मैंने लास्ट की क्लिप भी ली थी, पता नहीं वो डिलीट हो गई, कैसे डिलीट हो गई, आई डोंट नो। मैंने पहले के सारी चीज़ें डिलीट करी हुई थी ना, बीच बीच में मैं सब कुछ शूट करती रहती, तो मैंने फ़ोन का स्टोरेज जो खाली किया था, मुझे लगता है वो क्लिप डिलीट हो गई, 3-4 क्लिप्स थी। तो नेवर माइंड, बिरयानी वॉज हैंड्स डाउन वेरी टेस्टी। मैंने इससे पहले भी 2-3 बार बनाई है, पर इस बार बहुत परफेक्ट बनी थी, क्योंकि सीखते सीखते ही हम सीखते हैं। पहली बार मुझसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, चावल कच्चे हो गए थे। एंड द सेकेंड टाइम इट वॉज वेरी, दही मैंने अच्छे से नहीं डाला था, मैरिनेट नहीं किया था, तो वो बहुत ड्राई सी बनी थी। बट द थर्ड टाइम आई कुक्ड इट वॉज यम। पर इस बार भी मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने नॉर्मल वाले चावल निकाल दिए। तो हुआ क्या था ना कि नीचे राइस रखे हुए हैं नॉर्मल वाले, और दर्श उसको निकाल के ना कच्चे खा रहा था, तो मैंने उसको बंद करने के लिए गई। फिर मैंने कहा बंद करने से पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, मुझे काम तो है ही। मैंने उसी को निकाल के फिर उसको पानी से वॉश कर लिया, फिर वॉश कर लिया था तो फिर मैंने कहा चलो अब इसकी बना देती हूँ, क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाता, इसलिए फिर मुझे उसका बनाना पड़ गया। कि उसके साथ में बड़े वाले राइस ही अच्छे लगते हैं, बासमती राइस ही अच्छे लगते हैं। तो आप ध्यान रखना, एंड या इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।